नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार नगर निकाय चुनाव के आज नतीजे आ चुके हैं और कई जगहों पर जीत और हार का रिजल्ट हमने आपको दिखाया है। मुजफ्फरपुर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। अब हम बात कर रहे हैं सीतामढ़ी की, जहां पर सीतामढ़ी नगर निगम में मेयर पद पर रौनक परवेज ने जीत की है। 21,000 से ज़्यादा वोट आए थे। वहीं दूसरे नंबर पर विशाल कुमार थे, जिन्हें 18,000 के करीब वोट आए थे, 18,500 कुछ वोट आए थे। वहीं करीब 2,500 से 3,000 वोटों से रौनक परवेज की जीत हुई है सीतामढ़ी में और वो मेयर बनी है। जिसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। वहीं जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि अफवाह भी उड़ गई थी वहाँ पर अफवाह उड़ गई थी, दूसरे प्रत्याशी को जिता दिया था। कुछ फेसबुक पर लिख दिया गया था कि दूसरे प्रत्याशी जीत गए, लेकिन इन सब खबरों की जो क्या कुछ कह रहे हैं जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी। वहीं जीतने के बाद जो मेयर बनी है रौनक परवेज, वो क्या कुछ कह रही हैं सुनिए। अंतिम परिणाम जो आया है वो पहले स्थान पे रौनक जहाँ 21,562 मत पर प्राप्त करके पहला स्थान उनका हुआ, विशाल कुमार 18,549 मत और सुभंश राय 11,611 मत। कितने मत से जीती है रौनक जहाँ प्रवेश? लगभग 3,000 लगभग जोड़ लेंगे आप, क्योंकि रौनक जहाँ को 21,562 मत मिला है और विशाल कुमार को 18,549 मत मिला है। लगभग 2,500-3,000 मतों से, जो गिन करके हम बता देंगे बाद में, रौनक जहाँ मेयर पद के लिए निर्वाचित घोषित हुई। मेरा नाम रौनक अच्छा, आपने डबल जीत हासिल की है, दोनों जीत के बारे में बताएं। जी, वार्ड वाला जी और मेयर पद पर दोनों सीट पर भी विजय पाए। क्या आप जीती हैं तो जनता के लिए क्या कीजिए, कुछ आपका स्कीम है कुछ है? हम तो कंटिन्यू 15 साल से मुखिया है, इससे यही वजह से हमको पब्लिक में चुना। आज इतना वोट से 3,013 वोट कोई कम नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा वोट हुआ। इतना तो जनता कुछ उम्मीद रख करके ही हमको वोट दिए हैं, तो उस उम्मीद पर हम भी खड़े होते हैं। कैसा चाहती है सीतामढ़ी कैसा होगा? जिस तरह से वोट है उस तरह से हम चाहते हैं, लेकिन हर जगह हम गए हैं तो अजीब सा रोड नाला घर का सामना किए है, नाली पानी किए, हर चीज का सामना किए है। हम चाहते हैं कि हम जब तक जीत को हम अपने जानते भर में की धरती है, इसको कितना सुंदर बनाने का जितना मेरे बस में हो सके कहीं से कहीं ज्यादा तो आपने सुना कि जीतने के बाद रौनक परवेज ने क्या कुछ कहा, कई सारी बातों को कहा। उन्होंने बताया कि किस तरीके से अब वो विकास करेंगी, वो मेयर बनी है सीतामढ़ी की तो किस तरीके से विकास करेंगी। वहीं पर जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने क्या कुछ कहा, कई सारी बातों को उन्होंने कहा है, अफवाह उड़ गई थी लेकिन प्रशासन ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। प्रशासन ने साफ साफ कहा हमने जो आंकड़ा दिया है वही आंकड़ा सही है, कुछ चलने को तो कुछ भी चला दिया जाता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये रौनक परवेज की जीत हुई है, 21,000 से ज़्यादा वोट आए थे। वहीं 18,500 कुछ वोट विशाल कुमार को आए जो दूसरे नंबर पर थे, वहीं तीसरे नंबर पर 11,000 एक प्रत्याशी को भी आए हैं, लेकिन मेयर प्रत्याशी पर रौनक परवेज की जीत हुई है। वहीं उप मेयर में आशुतोष की जीत हुई है और नतीजे अब आ चुके हैं। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।